नहीं इसमें क्या है, रुकिए क्या है, ना 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 आप आपस में हाथ पाई नहीं, ना 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 यहाँ सभ्यता के साथ बात रखिए। प्रधानमंत्री जी से लोगों का विश्वास उठता गया। आज और राज्य में सरकार जो बनेगी कांग्रेस की बनेगी 100% डंके के चोट पे। मीडिया को भी नहीं बकस रहे की गोदी मीडिया, अरे मीडिया ऐसा चौथा स्तंभ है जो गरीब की आवाज जनता सरकार तक पहुंचाती है। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं था, वहाँ क्या करने चले गए राजस्थान? अरे प्रधानमंत्री भाजपा से हैं, अपनी पार्टी के अपने दल का प्रचार करने जाएंगे ही जाएंगे। पांचों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। की आपकी मतलब किस? जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी। आपके सामने तो बता रहे कि पांचों राज्य में क्लीन स्वीप कांग्रेस आने वाली, इनका कहीं भाजपा पांचों राज्य 12 घंटा की और है देखना, 10 बजे तक ये सब कोई कार्यकर्ता दिखाई देने वाले। जनता का पैसा, टैक्स पैसा, बैलेट पेपर मशीन महंगाई में जाती है, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जेब से पैसे जाते, मांग के लाते हो, जनता का टैक्स के पैसा जाता। अगर जनता चाहती है मुल्क बनाया जा रहा है, एक पहला पारदर्शी ना हो, पहला पारदर्शी यदि नहीं होगा, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ा मक्कार आदमी, इससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं हो सकता। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बेहद ही जल्द सामने आने वाले हैं। इसके पहले एग्जिट पोल्स बहुत सारी जैसी वेबसाइट हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिन्होंने एग्जिट पोल पेश किया है लोगों के सामने। कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पर भाजपा को बढ़त मिल रही है, कई सारी जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस अपनी जमीन को वापस प्राप्त करते दिख रही है। एग्जिट पोल आ चुके हैं, एग्जिट पोल के बारे में हम लोगों से बात करेंगे कि एग्जिट पोल जो है क्या वही एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं या फिर महज ये एक आंकड़े का अनुमान लगा के ही रह जाएगा। सर एग्जिट पोल आ चुके हैं, 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं, कांग्रेस की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ में बनती हुई नज़र आ रही है, वहीं भाजपा जो है वो राजस्थान में बनती हुई नज़र आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होने वाले हैं? नहीं, उससे उलट फेर भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, आप लोगों के चैनल के द्वारा, मीडिया के द्वारा या जो एग्जिट पोल आया है उसके माध्यम से कांग्रेस जो है बढ़त बनाए हुए है अभी तक। चूँकि हम लोग नहीं गए, न मध्य प्रदेश गए, न राजस्थान गए, न छत्तीसगढ़ गए, कहीं गए नहीं हैं। जो मीडिया के माध्यम से छन कर बात आई है कि कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, उसके कारण भी हैं। चूँकि वो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने नगण्य कर दिया और अपने बल पर चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री जी से लोगों का विश्वास उठता गया। चूँकि उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। एग्जिट पोल तो ये भी बता रहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। भाई एग्जिट पोल कह रहे हैं तो बता तो रहा हूँ कि मैं भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो देखिए कभी कभी होता है कि कहीं क्षेत्रों में ज़्यादातर किसी दल को पड़ गया तो किसी क्षेत्र में किसी दल को पड़ गया। सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री जी से जो है लोगों का दिल हटता जा रहा है, चुनाव वो लड़े हैं न कि वहाँ के मुख्यमंत्री। वहाँ पे तो प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं था, वहाँ क्या करने चले गए राजस्थान? अरे प्रधानमंत्री भाजपा से हैं, अपनी पार्टी के अपने दल का प्रचार करने जाएंगे ही जाएंगे। अब एक मिनट, छत्तीसगढ़ में क्यों ना गए? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं था? उनको पता कि काम छत्तीसगढ़ की जनता। इधर आइए भैया, क्या कह रहे हैं कि पांचों राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। किसकी? आपकी मतलब किसकी? जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसकी बना रहे? भारतीय जनता पार्टी। अब आपके सामने तो बता रहे हैं कि पांचों राज्य में क्लीन स्वीप कांग्रेस आने वाली, इनका कहीं भाजपा पांचों राज्य 12 घंटा की और है देखना, 10 बजे तक ये सब कोई कार्यकर्ता दिखाई देने वाला। कह रहे हैं आप लोग दिखने वाले नहीं? अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ये दरअसल में कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं कि 10 बजे के बाद कांग्रेस का जो कार्यालय है वो शून्य हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, 10 बजे बंद होकर ताला लगा के अपने अपने घर चले जाएंगे। इन्होंने सही कहा, इनका कार्यालय 10 बजे, 10 बजे के बाद कार्यालय में ताला पड़ जाएगा। और इन लोगों के पास दो मुद्दा है, गोदी मीडिया पर आरोप लगाना और ईवीएम पे आरोप लगाना, घूसी किसी। ये क्या आपको लग रहा है क्या कि इसके बाद भी ईवीएम जो है निशाने पर आएगा? बस इन लोग का यही काम ही है ईवीएम का, ईवीएम को निशाने पे लेंगे। भाई सुनिए, मान लीजिए अगर जीत गए तब? नहीं, हम हारे या सुनिए, जीत गए तो नहीं बोलेंगे, हारे और जीते पांचों राज्य को, लेकिन लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर पे होगा। 5 राज्य में हम हारे या जीते जनता जिसे है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होगा बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ईवीएम पे होगा। लाई रहा है ईवीएम तो कांग्रेस है, लाई रहा है इन लोगों की खून नियत नहीं साफ है। ये पूछो भाजपा ने लाई रहा है ईवीएम या कांग्रेस लाई रहा है, समझो? कांग्रेस तो लाई थी, लेकिन वो तो अभी कह रहे हैं कि अभी बैलेट पेपर में होना चाहिए। कहाँ है कांग्रेस की तो दिन है, कांग्रेस की सुनिए सर जनता लोग जो विधानसभा पांचों राज्यों,
नहीं आप बात, जनता पांचों राज्यों में राहुल भाई के साथ है, राहुल भाई के चुनाव पांचों राज्यों में जिता रहे, चुनाव इस पर जमानत पर है, वही कहना है कहा यहाँ है जब एक तड़ी पार गिरी मंत्री बन सकता है तो जमानत वाला देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता मनोहर जी? वकील साहब देखिए सुनिए, पहले बात माइक एकदम नहीं हटेगा, ये रिक्वेस्ट है, बात आपकी सुन मैं बोलूंगा, हिंदुस्तान में कोई नहीं बोलता, बात सुनिए, सही बता रहे हैं हम, अक्सर मूर्ख बनाया जा रहा है, एक पाला पारदर्शी ना हो, पाला पारदर्शी यदि नहीं होगा, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ा मक्कार आदमी, इससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं हो सकता। यदि कुश्ती का पाला पारदर्शी नहीं होगा, उसे डिजिटल बना दो, उसे ऐसा बना दो, जब चाहे जब मिटा दो, जब चाहे कुछ कर दो, हैं कुश्ती का पाला, इसमें क्या नहीं, इसमें क्या रुकिए, क्या यदि ईवीएम नहीं खत्म होगी, अरे रुकिए सुनिए, यदि ईवीएम नहीं खत्म होगी भारत में, तो अब ना जब खूनी क्रांति आएगी, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, खूनी क्रांति आपके आपके लिहाज से, एक मिनट आपके लिहाज से, इनके लिहाज से ईवीएम खराब, मेरी एक मिनट यही देश के प्रधानमंत्री, अरे बात सुनो यार, तुम क्या बात, बंदर की बात और कुछ अजानता, इसके बाद क्या बात कर रहे हो यार, किसकी बात कर रहे हो, जो जनता की बात हो रही है, अतीक अहमद के आदमी है, हम आपको बता दें, यही एक देश के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तो इनकी पगड़ी चेक होती थी, और यही माननीय मोदी जी है जहाँ पर कालीन एयरपोर्ट पे डाले जा रहे हैं, यही देश के प्रधानमंत्री का निगोटा चेक होता था, मैं एक बार पूछना चाहता हूँ आपके मंच के माध्यम से, आपकी आवाज के माध्यम से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में या जिस बनती है, तो वहाँ मशीनें हैंग हो जाती है, और जहाँ कांग्रेस की अभी चुनाव हुए हैं पंजाब में भी, कर्नाटक में भी, पांच राज्यों में, और उसमें ये और भाजपा की जहाँ सरकार नहीं बनी, वहाँ अन्य दलों की सरकार बनी, कांग्रेस की बनी है, आम आदमी पार्टी की बनी है, क्या वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुई? आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कल तो हम दिव्यांग समाज से हैं, और सबसे पहले योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी का धन्यवाद करेंगे, आपके मंच के माध्यम से, भारत न्यूज़ के माध्यम से, लीडर मंच के माध्यम से, कि दिव्यांगों को पहली पंक्ति का व्यक्ति बनाया है मोदी जी ने। अगर कल कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो आप ईवीएम को कुछ कहोगे कि नहीं कहोगे? नहीं, कहें हम कहेंगे, कहें हम घूमेंगे, 80% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के गाड़ी पे कांग्रेस का झंडा लग जाएगा, अब पट्टा ये सब लगा के ना घूमे तो कहना बदल लेंगे आज ही से बदलना, मीटिंग चालू हो गई भाजपा के, कांग्रेस के पहले एक कंफर्म कर ले, हम समाज के प्रवक्ता है, हम जनता के प्रवक्ता है, हम क्यों पार्टी बनाएंगे, एक कभी कांग्रेस कहते हैं, कभी समाजवादी पार्टी की, बताओ ईवीएम को तो कुछ नहीं कहोगे ना, हम कहेंगे यार, कहें हम कहेंगे, हम देश में राज कर रहे हैं, पूरे पांचों राज्यों हम जीत रहे हैं, ये लोग कहीं दूर दूर तक नजर, ये किसी को नहीं कहेंगे, ये नीरव मोदी को भी नहीं कहे, परिवक्ता ना है, पहले मतलब क्या परिवक्ता है, मतलब जान लो, तो देखिए समाज का कोई प्रवक्ता नहीं है, सब नेता लोग अपने अपने मतलब के प्रवक्ता हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। एग्जिट पोल आ चुके हैं, चुनावी नतीजे क्या होंगे वो कल सामने आ ही जाएंगे, चार राज्यों के चुनावी परिणाम कल सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक अन्य राज्य का जो चुनावी परिणाम है वो सामने आ जाएगा, बहरहाल ये देखना होगा कि समय के साथ साथ सत्ता का जो ताज है वो कौन सी राजनीतिक दल में सर्वस जाती है। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ अनुराग तिवारी।